सूरत में तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, आग से 18 छात्रों समेत एक टीचर की मौत। कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गुजरात के सूरत में तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में लगी आग, जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से कूदे छात्र, भयंकर हादसे में छात्रों की मौत। बीजेपी ने नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को अपनी कैबिनेट के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, नई सरकार के गठन को लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से चर्चा की। मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा, साथ ही मोदी ने राष्ट्रपति से नई सरकार बनाने के लिए चर्चा की। प्रदेश में भाजपा की बंपर जीत के बाद जीत के महानायक सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता के दौरान सीएम योगी ने गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि गठबंधन बनाने वाले अपना दुर्ग भी नहीं बचा पाए। सीएम योगी ने मोदी है तो मुमकिन है के स्लोगन पर कहा कि देश ने इस नारे को साबित कर दिया। साथ ही योगी ने यह भी कहा कि ग्राम स्वराज अभियान से चुनाव प्रचार शुरू किया गया, ग्राम स्वराज अभियान से सफलता मिली। चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी प्रवक्ताओं पर मीडिया डिबेट में जाने पर रोक लगा दी है, सपा के सभी मीडिया पैनलिस्ट भी हटा दिए गए हैं। आगरा में थाना सदर रोहतक क्षेत्र में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी, आत्महत्या के कारणों का नहीं चला पता। लखनऊ में केमिस्ट एसोसिएशन व्यापारियों ने किया कार्यक्रम, हजारों की संख्या में जमा हुए केमिस्ट व्यापारियों ने मनाया बीजेपी सरकार की जीत का जश्न। केमिस्ट एसोसिएशन के कार्यालय में शामिल हुए कानून मंत्री ब्रजेश पाठक। आगरा में थाना मलपुरा नहर के पास ट्रक ने मारी ट्रैक्टर में टक्कर, हादसे में 8 लोगों की लोग हुए घायल, एक की हुई मौत, ट्रैक्टर में करीब 25 लोग सवार थे। बुलंदशहर पुलिस ने अलीगढ़ में चंदौत क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के पास मिले शव की शिनाख्त करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नगला दीना में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वहीं महिला के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया, सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बाराबंकी में थाना रामनगर के बुढ़वा चौराहे के पास इंडियन ऑयल के एक टैंकर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुजफ्फरनगर के जट नगला गांव के बाहर एक भट्टे के कमरे में रहने वाले मजदूर परिवार की नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाराबंकी के सूरजगंज विकास खंड क्षेत्र में राशन पर कोटेदार का कब्जा है, जिसको लेकर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। एटा के थाना अलीगंज के ग्राम सदेरा में अवकाश पर आए सेना के जवान की बिजली के करंट के चपेट में आने से मौत हो गई, मृतक जवान तरुण प्रताप पूना के आर्म डिफेंस कोर में तैनात था और 5 दिन पहले ही अवकाश पर आया था। कन्नौज के सौरिक थाने के बहादुरपुर गांव में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लग गई, जिससे घरेलू सामान अनाज और 40,000 रुपए जलकर खाक हो गए, दमकल की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। आजमगढ़ तहसील परिसर में जमीन रजिस्ट्री को लेकर दो भाइयों में जमकर बवाल हो गया, जहां एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी, गोली लगने से भाई की हालत गंभीर। उन्नाव के हसनगंज में एक महिला ने अवैध संबंधों के चलते दो साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, आरोपी पत्नी और दोनों साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के हाइडल कॉलोनी में दो बाइक सवार बदमाशों ने विद्युत विभाग के कैशियर से 25,000 की लूट को अंजाम दिया, बदमाश कैश लूट कर फरार हो गए। अम्बेडकर नगर के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के नंदपुर पहाड़पुर में चचेरे भाई ने मामूली विवाद के चलते भाई को मौत के घाट उतार दिया, आरोपी भाई को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।